ओके गाइस, इस वीडियो में हम थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दे दिया है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी इसमें सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर होगा जो हमने अभी कुछ पढ़ा है। और ना भी चाहूँगा, इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ेगा। बाद में मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगा। ठीक है, तो इसने पूछा है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले वाला अभी कराया नहीं है, तो इसे छोड़ते हैं अभी। इसने पूछा है, किसी आई जड़त्व आघूर्ण वाली वस्तुओं कोणीय वेग ओमेगा है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, रेखीय वेग वाली, हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपको बस यहाँ पे जो कोणीय गति में जो राशियाँ चलती हैं वो आपको यहाँ पे प्रतिस्थापित करनी है। तो हाफ से हाफ एम यहाँ पे आई, वी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये रैखिक वेग है, कोणीय वेग, तो आंसर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे आते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, संवेग का आघूर्ण क्या होता है, तो ये थ्योरेटिकल है, कोणीय संवेग, न्यूटन का द्वितीय नियम, बाह्य बल बल की अनुपस्थिति में जो कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, अब हमारे चकती का उसके तल के लंबवत स्पर्शरेखा अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, तो ये वाला मैंने बताया हुआ है, स्पर्शरेखा अक्ष के लंबवत, अक्ष में नहीं, ठीक है, ये हमारा चकती का कितना निकलता था, आई सेंट्रल से ये निकलता था हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस स्पर्शरेखा अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष से दूरी इसकी आर, द्रव्यमान कितना है एम, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई टू, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसने पूछा है कि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण आई है, घूर्णन गतिज ऊर्जा ई है, तो कोणीय संवेग एल हो, तो कौन सा सही होगा। तो इसमें वही वही लगा सकते हो आप, एल स्क्वायर कोणीय संवेग, वहाँ पे पी स्क्वायर आता है 2m, या आप रैखिक वेग समीकरण में देख सकते हो, दोनों की विमा करके देखोगे तो बराबर आएगी। तो पी रैखिक संवेग है और एल कोणीय संवेग है, जे भी लिख सकते हो आप, जब इसने एल दे दिया है तो एल मानो, एम द्रव्यमान है तो वहाँ पे आप जड़त्व आघूर्ण मानोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वलय के तल में स्पर्श अच्छा स्पर्श अक्ष पर इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तल में स्पर्शी अक्ष पर, ठीक है, तल होता है ये आपका, मैंने बोला था लंबवत, तल में बोल रहा है तो यानी कि लंबवत, ठीक है, तल के लंबवत नहीं पूछ रहा है, ये तल में पूछ रहा है, तल के लंबवत नहीं है। ठीक है, तो अब की बार ये वाला नहीं होगा, अब की बार ये वाला होगा, व्यास के सापेक्ष वाला, व्यास के सापेक्ष आपका कितना आ रहा था, आपका जस्ट आधा आता है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यदि घूमते हुए टेबल पर एक मनुष्य अपना हाथ फैलाकर चक्रणी गति कर रहा है, तो वह अपने हाथ को झुकाएगा तो उसकी चक्रणी दर, ओके गाइस, तो हम देख रहे थे इसमें जड़त्व आघूर्ण परिभ्रमण त्रिज्या में इस तरह से होता है, आई इक्वल टू एम की स्क्वायर। ठीक है, तो के का मान पूछेगा, तो यहाँ पे इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू एम की स्क्वायर हो जाएगा आंसर में। इसने पूछा है, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, तो जड़त्व आघूर्ण आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम इंटू त्रिज्या, यानी कि मीटर में होगी, इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। चलो, कोणीय संवेग जे इक्वल टू आई ओमेगा, कोणीय संवेग ये वाला कर रहे हैं हम, कोणीय
कोणीय संवेग होता है आई इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो इसका ऐसे ही मात्रक हमें पता है, इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो ओमेगा वी बाई आर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने पूछा है कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, चकती के किनारे पर खड़ा व्यक्ति केंद्र की ओर चलता है, केंद्र की ओर चलता है, तो चकती का कोणीय वेग। तो ध्यान रखना, जैसे ही द्रव्यमान पर्दी की तरफ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा द्रव्यमान पर्दी की तरफ खिसक रहा है, तो उसका जड़त्व कोण बढ़ेगा और ओमेगा कम होगा। तो आंसर सेटिस्फाई कर लीजिए आप, शक्ति का कोणीय वेग बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, सही है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, और ये आपको कर ही लोगे कोणीय संवेग। ठीक है, और बलाकोण के एग्जांपल आप कर ही लोगे, और बाद में और ये सारे बता दूंगा मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडिया लग गया है क्वेश्चन का, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो तल के लंबवत आपको याद रखना है सभी के लिए। ठीक है, तल में स्थित वो व्यास के सापेक्ष निकलेगा, अब जैसे स्पर्शरेखा तल के लंबवत पूछता है तो इस तरह से निकलेगा, और तल में स्थित स्पर्शरेखा अक्ष के सापेक्ष वो व्यास के सापेक्ष निकलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए चक्ति का तल के लंबवत ज्यामिति केंद्र के सापेक्ष, ये वाला एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, ये वाला पूछ लिया तो प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि इससे इसकी द्रव्यमान की दूरी आर है, तो ये 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अब व्यास के लिए क्या होता है, जस्ट इसका आधा हो जाता है, एम आर स्क्वायर टू का आधा हो जाएगा, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई फोर। अब हमें प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। तो ये सभी में करना है आपको। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। एक और चीज़ याद रखना आप, कि आपसे पूछे स्पर्शरेखा अक्ष के सापेक्ष, देखना शक्ति के ने निकाला हमने एम आर स्क्वायर बाई टू, ये सबसे कम था, बाकी का सब इससे आधा हुआ था, और जैसे व्यास के सापेक्ष पूछता है तो एम आर स्क्वायर बाई फोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि किसके सापेक्ष कम होगा, किसके सापेक्ष ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ से डिसाइड कर सकते हो आप एट द टाइम डिवाइड करके, आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं बाद में करवा दूँगा। तो ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं और हल करवा दूँगा। ठीक है, सो थैंक्स गाइस, कमेंट में बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, मैं सॉल्व इट करने की ट्राई करूँगा। थैंक्स अगेन।